ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस शैक्षणिक सत्र से स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू हो रही है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस परीक्षा के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। एक महीने तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी और जुलाई महीने के शुरुआती हफ्तों में परीक्षा का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजन किया जाएगा। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इस परीक्षा का स्वरूप क्या है और जो कॉलेजों में अधिकतम अंक प्रतिशत की जो कट ऑफ लिस्ट की प्रवेश प्रक्रिया थी, इस तरह से विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए उन्हें समान अवसर देने में ये व्यवस्था किस तरह से कारगर होगी। देखिए, हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने का प्रक्रिया में हम एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया और हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा कि स्टूडेंट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए और स्टूडेंट्स को स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए एक एंट्रेंस और एक नेशन जैसा एक रिकमेंडेशन दिया। इसलिए हम ए सीयूईटी को जुलाई फर्स्ट वीक में कंडक्ट करने के लिए निर्णय लिया। और देखिए, जब भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में, जैसा बीए हो, बीकॉम, बीएससी, सिमिलर प्रोग्राम्स में क्या होता है, दो तरीका से होता है। एक तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने बोर्ड मार्क्स को यूज करके रैंकिंग करके एडमिशन देता है और कुछ दूसरा यूनिवर्सिटीज इनका एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। और दोनों प्रक्रिया से स्टूडेंट्स को तकलीफ हो सकता है, बिकॉज जब आप बोर्ड मार्क्स को यूज करेंगे 98-99% स्काई रॉकेटिंग स्कोर्स को स्टूडेंट्स रियलाइज करना है, वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रेसफुल है पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को। दूसरा बात है, हमारा देश में बहुत स्कूल बोर्ड्स हैं, विभिन्न स्कूल बोर्ड्स हैं। ये स्कूल बोर्ड्स में ये जो बोर्ड का मार्क्स आता है इसमें बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। कुछ बोर्ड्स में 98% लाना बहुत ईजी है और कुछ बोर्ड्स में फॉर द सेम एफर्ट 80% भी लाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा गलत क्या है, मैं किसी स्टेट में जन्म लिया और किसी बोर्ड में पढ़ा और सिर्फ 80% आता है, और किसी ने बाय चांस किसी स्टेट में जन्म लिया और ओ बोर्ड में पढ़ा, सेम एफर्ट को इनको 98% मिलेगा। तो ये इक्वल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। जो स्टूडेंट्स जो बोर्ड्स में पढ़ेगा इनको सिर्फ 80 मार्क्स आता है मैक्सिमम, इनको कभी भी इनका लाइफ में मौका नहीं मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटीज में ज्वाइन होने का। इसीलिए हम निर्णय लिया कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड को प्रोवाइड करेंगे बिना स्ट्रेस। तो 2-3 दिन से मैं स्टेक होल्डर से बात कर रहा हूँ, वाइस चांसलर से ही बात कर रहा हूँ कि देर इज अ वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस विलिंगनेस टू यूज सीयूईटी इन द यूनिवर्सिटीज। एक प्रश्न विद्यार्थियों के मन में इस परीक्षा को लेकर उठ रहा है कि परीक्षा का फॉर्मेट क्या होगा, परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को किस तरह की तैयारी करनी होगी, इस बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बताएं। इसमें दो चीज है, एक तो सिलेबस। सीयूईटी में हम सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी सिलेबस को हम यूज करेंगे, 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस को हम बिल्कुल न यूज करेंगे सीयूईटी में। और दूसरा है, सीयूईटी एग्जाम 2 सेशंस में होगा हर एक दिन और सीयूईटी 3-4 दिन में स्प्रेड होगा। सीयूईटी सेशन 1 में स्टूडेंट्स ने 13 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज पेपर लिख सकते हैं और 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में 2 डोमेन सब्जेक्ट्स को टेस्ट दे सकते हैं सेशन 1 में, और एक जनरल टेस्ट भी लिख सकते हैं। 3-4 टेस्ट लिख सकते हैं, एक लैंग्वेज का, 2 डोमेन टेस्ट का और एक जनरल टेस्ट का। मैं अभी बताऊंगा जनरल टेस्ट का क्या रीजन है। और सेशन 2 में 4 डोमेन सब्जेक्ट्स को टेस्ट लिख सकते हैं और एक फॉरेन लैंग्वेजेस टेस्ट भी लिख सकते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये कह सकते हैं कि आप बीएससी में ज्वाइन होना चाहिए तो आप मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सीयूईटी लिखना है और इसके साथ आप एक लैंग्वेज पेपर भी लिखना है, ऐसा हो सकता है एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन पॉलिसी। और दूसरा यूनिवर्सिटी का एडमिशन पॉलिसी हो सकता है, आप हमारा बीए लैंग्वेजेस प्रोग्राम में आप सिर्फ जनरल टेस्ट लिखे तो ओ स्कोर के आधार पर आपको एडमिशन हम देंगे।
तो इसीलिए हम स्टूडेंट्स को एक सलाह दे रहा है कि आप पहले यूनिवर्सिटी वेबसाइट देखिए, उधर एडमिशन पॉलिसी क्या है, उधर एडमिशन लेने के लिए कौन सा पेपर में आप टेस्ट लिखना है, वो देखने के बाद आप चूज कीजिए, चाहिए तो एक लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ दिस 13, चाहिए तो आप 3-4 मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं, और आप किसी फॉरेन लैंग्वेजेस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहिए तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस में लिख सकते हैं। ये तो फॉर्मेट है सेशन 1 और सेशन 2। और स्टूडेंट्स ने 13 लैंग्वेजेस में एक लैंग्वेज चूज करके वो मीडियम में लिख सकते हैं। हो सकता है मैं तेलुगु मीडियम में पढ़ा स्कूल में, मैं CUET तेलुगु में लिख सकता हूँ, तो कुछ लोग इंग्लिश मीडियम चूज करना चाहिए तो इंग्लिश मीडियम भी चूज कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस होगा NCERT का, और आप जो मीडियम चूज करना चाहते हैं वो मीडियम आप चूज करके लिख सकते हैं। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, आप एनीवे यू आर राइटिंग 12th बोर्ड एग्जाम्स, और CUET में सिर्फ 12th बोर्ड एग्जाम का सिलेबस ही रहेगा, इसीलिए ये नॉलेज आपका माइंड में तो फ्रेश है, बिना डर बिना स्ट्रेस आप CUET को लिख सकते हैं। आप तो बोर्ड एग्जाम्स तो लिख रही हैं और आपका मन में ये नॉलेज पूरा फ्रेश है, बोर्ड एग्जाम्स होने के बाद CUET आप लिखना है तो इतना गैप भी नहीं है, इसलिए आप बिना संकोच बिना डर आप CUET लिख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम NCERT सिलेबस को यूज कर रहे हैं CUET में। कुछ लोग ने कह रहे हैं कि कुछ स्टेट बोर्ड्स भी हो सकता है, इनका सिलेबस भी अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, इनको तो डिसएडवांटेज नहीं होगा क्या? इसके बारे में भी मैं ये बताना चाहता हूं कि कम से कम 21 स्टेट्स में NCERT सिलेबस को अडॉप्ट किया, और जो स्टेट बोर्ड्स हो इसमें सिलेबस थोड़ा अलग हो, इसको हम कंसिडर करने के लिए हम क्या किया, हर एक टेस्ट में हम 50 प्रश्न को देंगे लेकिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ 40 प्रश्न को सॉल्व करना है, इतना चॉइस हम दिया। और फिर भी जब हम क्वेश्चन पेपर को सेट करेंगे, NTA एक्सपर्ट्स को हम सेंसिटाइज करेंगे कि कुछ डिफरेंसेस हो सकता है, और ये आप मन में रखना है जब आप क्वेश्चन पेपर्स को सेट करने समय में। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन परीक्षा है क्योंकि, तो सर इस परीक्षा को लेकर अक्सर विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि परीक्षा में जो सवाल कंप्यूटर के माध्यम से उन्हें सॉल्व करने पड़ेंगे तो उसको किस तरह से सरल बनाया गया है जिससे कि हर स्थिति का स्टूडेंट उसे सॉल्व कर सके। कुछ लोग सोच रहे हैं कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, तो मैं कभी कंप्यूटर को यूज किया ही नहीं, मैं कैसा लिख सकता हूं? ऐसा डरने का कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा, आप पहले क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पे आने के बाद आप पेपर पेंसिल से आप सॉल्व कर सकते हैं वो क्वेश्चन को, और जब आप करेक्ट क्वेश्चन को चूज करना है सिर्फ माउस को यूज करके जो करेक्ट क्वेश्चन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। तो सभी लोग फोन यूज करते हैं आजकल, देखिए हमारा देश में आज 800 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा यंग लोग हैं, जो आप विलेज से हो, रूरल बैकग्राउंड से हो, सिटी से हो, सभी को फोन यूज करना बहुत इजी है। आप फोन यूज कर सके तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बहुत इजीली कर सकते हैं आप। एप्लीकेशन भरने की प्रक्रिया किस तरह की है, और साथ में सर ये भी कि एक विद्यार्थी को आवेदन करते वक्त किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है? ये ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, NTA ने एक पब्लिक नोटिस निकाला, इसमें ये एप्लीकेशन प्रोसेस का लिंक भी है, और लिंक को आप सिर्फ क्लिक करके उधर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप फिलअप कर दीजिए, लेकिन जो टेस्ट पेपर्स आप चूज करना चाहते हैं इसको आप केयरफुली चूज करना। आप पहले ही डिसाइड किया होगा जो यूनिवर्सिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले आप वो यूनिवर्सिटी वेबसाइट में देखें, इनका एडमिशन पॉलिसी क्या है देख लीजिए, इनका टेस्ट पेपर का रिक्वायरमेंट क्या है देख लीजिए, वो रिक्वायरमेंट देखने के बाद आप जब एप्लीकेशन फिलअप करते हैं उस समय आप ए टेस्ट पेपर को आप चूज कीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में इस परीक्षा को एक विकल्प के तौर पर विद्यार्थी चुन सकते हैं, तो जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं उन्हें किस तरह से इससे सहूलियत होगी, और जो भाषा की उनके ऊपर एक बाध्यता होती थी, एक सीमा होती थी, उससे निकलकर वो कैसे मुख्य धारा में आ सकेंगे? हम
एक टेस्ट को जो इंडियन लैंग्वेज मीडियम है इसमें तो हम कर रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने अपना मातृभाषा में पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड तक, और सडनली इंग्लिश में टेस्ट लेना तो मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम 13 लैंग्वेजेस में टेस्ट को कर रहा है। और दूसरा बात है, जो रिमोट एरियाज में स्टूडेंट्स होगा और रूरल एरियाज में स्टूडेंट्स होगा, इनका सुविधा के लिए भी हम NTA लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेंटर्स को अरेंज करेंगे, सो दैट आपका नियरेस्ट प्लेस में NTA का सेंटर आपको मिल जाएगा। और दूसरा बात है, ये NTA परीक्षा को टेस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए हम एक NTA वेबसाइट में भी एक टेस्ट को अरेंज करेंगे, आप घर में बैठ के नहीं तो आपका मोबाइल फोन यूज करके NTA टेस्ट लिखने के पहले ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में जो राज्य स्तर के विश्वविद्यालय हैं या जो निजी विश्वविद्यालय हैं उसमें भी इस प्रक्रिया को उनके साथ भी जुड़ने की संभावना है। इस साल सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को हम मैंडेटरी किया, CUET को, जो UG प्रोग्राम्स हैं सभी UG प्रोग्राम्स में CUET स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होगा। ए हाईएस्ट कट ऑफ 98-99 वो कट ऑफ तो चले जाएगा इस बार। और मैं बहुत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर से मैं बात किया, ये भी CUET को यूज करने के लिए तैयार है। और हरेक स्टेट का स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है, ये स्टेट यूनिवर्सिटीज का VCs को मैं एक ऑनलाइन मीटिंग बुला के इनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत संतोषदायक विषय है कि सभी वाइस चांसलर ने CUET को वेलकम कर रहा है, बिकॉज CUET तो एक स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच है इनका एडमिशन के लिए, बिना बोर्ड मार्क्स, बिना मल्टीपल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, एक एंट्रेंस एग्जाम लिख के आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए सभी लोग, पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो और वाइस चांसलर्स हो, सभी लोग इसको आह्वान किया। सर, इस परीक्षा के माध्यम से पूरी प्रवेश प्रक्रिया को एक स्थान पर लाया जा रहा है, तो इससे जो अलग अलग कॉलेजेस का और यूनिवर्सिटी का जो पूरा प्रशासनिक कार्य था, जो जटिलताएं थी, उनको दूर करने में इससे किस तरह से मदद मिलेगी? अलग अलग कॉलेजेस इनका एडमिशन प्रोसेस में एंट्रेंस एग्जाम करने का अब तो जरूरत है ही नहीं। जैसा DU यूनिवर्सिटी है, DU यूनिवर्सिटी में बहुत कॉलेजेस हैं। अर्लियर पास्ट में क्या होता था, हर एक कॉलेज इसका मेरिट लिस्ट निकालता था, लेकिन अब तो इसका जरूरत है ही नहीं। एक ही CUET का स्कोर है और इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स ने अलग अलग कॉलेजेस को अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने मल्टीपल कॉलेजेस में एडमिशन मिला CUET के बेसिस पे, तो इसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट ने एक कॉलेज को चूज करेगा और दूसरा कॉलेजेस में वैकेंसी आ जाएगा। तो यही हम कॉलेजेस को बता रहे हैं कि आप फर्स्ट लिस्ट रन कीजिए, फर्स्ट लिस्ट के बाद जो वैकेंसीज आएगा इसको फिलअप करने के लिए आप सेकेंड लिस्ट निकालिए, थर्ड लिस्ट निकालिए, जब तक वो वैकेंसीज पूरा फिलअप हो जाएगा आप वेटिंग लिस्ट निकाल के आप इसको भर लीजिए। ये एडवाइस हम सभी कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज को दिया, इसलिए मैं ये स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि CUET एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, आप इससे कोई डरने का जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेस फ्री रहिए और CUET को आप अटेम्प्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।